जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर भी मैं जो है वो आपको ऐसे ही आज दूंगा। जनरल लेक्चर है ये। आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस को डिस्कस कर रहे हैं, या आपको नजर आ रहा होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको अरिथमेटिक सीक्वेंस भी कहते हैं। इसे ए बी गाइड किया जाता है। हर सीक्वेंस एक ऐसी तरतीब जिसको हम ए एन से गायब करते हैं, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जनरल टर्म को ए एन कहते हैं, इज एन अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है इफ ए एन माइनस वन इज द सेम नंबर फॉर ऑल एन बिलोंग टू कैपिटल एन, यानी इसमें जितने भी एन होंगे वो नेचुरल होंगे। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? वन से शुरू होते हैं और सारे आगे जाके कि सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर n नेचुरल नंबर से लिया जा रहा है तो n की कीमतें वन से बड़ी होंगी, यानी टू थ्री फोर। अगर नेचुरल नंबर से लिया जा रहा है तो n वन से बड़ा होगा, अगर n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। आप इसमें वन भी पुट कर, यानी स्टार्ट ही वन टू थ्री फोर फाइव अप टू सो ऑन होगा। द ए एन माइनस ए एन वन, जिसमें एन बड़ा है वन से, यानी जो भी एन इसमें हम पुट करेंगे वो वन से बड़ा होगा। जैसे इधर टू पुट करेंगे, इधर इधर ये टू माइनस वन पुट करेंगे, इधर थ्री पुट करेंगे, इधर थ्री माइनस वन पुट करेंगे, यानी जो भी एन हम जनरल फॉर्म में पुट करेंगे जनरल में वो वन से बड़ा होगा। द डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव कर्व इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब मैं इसको जरा आसान लफ्जों में आपको समझाता हूँ, ये जो जितना उन्होंने आपको डेफिनेशन में लिखा हुआ है जरा आसान लफ्जों में मैं समझाऊं, तो इसको यूं कहा जाएगा। आपने जरा इस एग्जांपल पे गौर करना है, वन टू थ्री फोर फाइव। वो कहता है ये एक सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस कहलाती है अगर हर अगले नंबर में से पिछला नंबर माइनस करें जो जवाब आए, आप हर अगले नंबर में से उसे पीछे वाली टर्म, यानी थर्ड में से सेकंड टर्म माइनस करें, फोर में से थ्री माइनस करें, फाइव में से फोर माइनस करें, आप गौर फरमाएं तमाम का जवाब सेम आ रहा है। तो ये जो लफ्ज लिखा हुआ ना इज द सेम, इसका मतलब है ए एन का मतलब अगली, माइनस ए एन माइनस वन का मतलब उससे पिछली। अब मैं आसान लफ्जों में बोल रहा हूं, ए एन का मतलब क्या होगा? अगली टर्म, और ए एन माइनस वन का मतलब क्या होगा? उससे पिछली। हर अगली में से पिछली माइनस करें तो जो जवाब आए इधर सेम नंबर हो। तो जरा आप गौर फरमाएं कि ये सेम नंबर यहां पे आ रहा है। अगर एक और एग्जांपल से मैं आपको शो करूं, लाइक है दो पांच आठ ग्यारह अप टू सो ऑन। अब वो कहते हैं बताएं कि ये अरिथमेटिक है कि नहीं है, तो आपको क्या करना है, ये मैं अभी ट्रिक नंबर वन बता रहा हूं, ट्रिक नंबर टू भी बताऊंगा। आपको क्या करना है, आपने हर अगली में से ए एन में से पिछली ए एन माइनस वन को माइनस करना, जवाब क्या है? थ्री। हर अगली को ए एन कहेंगे और हर पिछली को ए एन माइनस वन कहेंगे, थ्री। हर अगली को ए एन कहेंगे और पिछली को ए एन माइनस वन कहेंगे, यानी अगर ये n था तो ये n माइनस वन है, अगर ये n है तो ये n माइनस वन है, अगर ये n है तो ये n माइनस वन है। जवाब क्या है? सेम। अगर ऐसे जवाब सेम आ जाए तो इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। ये जो आप माइनस कर रहे हैं और ये जो जवाब आ रहा है, ये माइनस करने से जो जवाब आ रहा है, इस जवाब का नाम ये वाला या ये वाला, इसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ये क्या कहलाता है? कॉमन डिफरेंस। इसको क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। और इसे किससे जाहिर किया जाता है अरिथमेटिक में? डी से। किससे जाहिर किया जाता है? डी से जाहिर किया जाता है। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये मैंने पहला ट्रिक बताया है, आप दो तरह से इसे याद कर सकते हैं। एक ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन के हर अगली में से पिछली को माइनस करें, अगर जवाब सेम आना शुरू हो जाए तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। ये एक तरीका है। तरीका नंबर दो, अगर इसी को आप इस सेंस में लें, वन टू थ्री फोर फाइव, अब ये दूसरा मेथड है इसको चेक करने का कि क्या ये अरिथमेटिक है कि नहीं है।
अगर हर आने वाली टर्म पिछली टर्म में एक फिक्स नंबर जमा करने से हासिल हो जाए, जैसे एक में जमा किया एक तो जवाब क्या आया दो, अब आपने दो में जमा किया एक जवाब क्या आया तीन, अब आपने तीन में जमा किया एक जवाब क्या आया चार, चार में एक जमा किया जवाब आया पांच। हर आने वाली टर्म अगर पिछली टर्म में फिक्स नंबर जमा करने से हासिल हो जाए, फिक्स नंबर जमा करने से हासिल हो जाए आने वाली पिछली टर्म में, पिछली में हर आने वाली पिछली में फिक्स नंबर जमा करने से हासिल हो जाए, जैसे तीन में एक जमा करें दो में एक जमा करें तीन, तीन में एक जमा करें चार, हर अगली पिछली से हासिल हो एक फिक्स नंबर जमा करने से, हर अगली पिछली से हासिल हो फिक्स नंबर जमा करने से, जैसे एग्जाम्पल नंबर टू है आपने लिखा दो पांच आठ, अगर आपने पांच लेके आना है तो दो में तीन जमा करें पांच, हर अगली कैसे आ रही है पिछली में फिक्स नंबर जमा करने से, अगर आपने उससे अगली लेके आनी है पांच में वही नंबर जमा करें आठ, अगर आपने उससे अगली लेके आनी है आठ में वही फिक्स नंबर जमा करें ग्यारह, तो हर अगली टर्म पिछली टर्म में एक फिक्स नंबर जमा करने से हासिल हो जाती है। तो ये अरिथमेटिक आती है और ये फिक्स नंबर होता है, इसे डी यानी कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। तो दो तरीकों से आप इसको अरिथमेटिक को समझ सकते हैं, या तो आप अगली में से पिछली को माइनस करें और एक जैसा जवाब आए तब भी अरिथमेटिक, या आप पहले वाली में कुछ जमा करें दूसरे वाली आए, दूसरे वाली में कुछ जमा करें तीसरे वाली आए, वो कुछ सेम होना चाहिए, तीसरी वाली में वही सेम जमा करें अगली उससे, या तो आप जमा का तरीका ले लें कि पिछली में फिक्स नंबर जमा करते जाए अगली आए, या अगली में से पिछली माइनस करें और फिक्स जवाब आ जाए, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इन दोनों सूत्रों में वो फिक्स नंबर का नाम कॉमन डिफरेंस यानी डी होता है। जी यहां लिखा हुआ है द डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज कॉमन डिफरेंस एंड यू विल नीड नोटेड बाय डी, इसे डी से जाहिर किया जाता है। जरा ये हमारा उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आई होगी। अब मैं आपको अरिथमेटिक की जनरल टर्म बताने लगा हूं, जनरल टर्म जरा गौर फरमाएं कि ये इसकी जनरल टर्म कौन सी है, ये जरा मैं इसको रिमूव करके आपको बताता हूं कि इसकी जनरल टर्म कौन सी है। जी जरा गौर फरमाइएगा, ये मैं लिखता हूं यहां पे ताकि आपको समझ आए, फिर मैं नीचे आपको दोबारा बताऊंगा। जी ए वन प्लस एन माइनस वन डी, ये जनरल टर्म है, जनरल टर्म को ए एन से जाहिर किया जाता है। ए वन का मतलब फर्स्ट टर्म, पहली टर्म, जैसे टू थ्री फाइव सॉरी थ्री टू फाइव एट अलेवन आपके पास है, तो ए वन का मतलब क्या होगा पहली टर्म क्या है टू, एन का मतलब है इनकी कुल तादाद, गिने कितनी है वन टू थ्री फोर, तो जनाब एन आपके पास क्या होगा फोर, तो ये इसकी जनरल जब है, ये इससे आप तमाम की तमाम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या सीक्वेंस बना सकते हैं, एन की जगह वन टू थ्री फोर पुट करते जाएं आपके पास सारे जवाब आते जाएंगे। ए वन का मतलब पहली टर्म, एन का मतलब इनकी कुल तादाद, और जनाब डी का मतलब क्या है दूसरी माइनस पहली, डी बराबर आएगा पांच माइनस दो क्या आया तीन, ये आपके पास तीनों आ गए। अब ए एन का मतलब क्या है चार, तो आइए आएगा ए फोर, ए वन की जगह टू पुट करेंगे अगर चौथी टर्म को नोट करनी है, प्लस फोर माइनस वन डी की जगह थ्री, चौथी टर्म आपके पास क्या आएगी टू प्लस नाइन, तो ये आएगा ए फोर इज इक्वल टू इलेवन। लेकिन अगर आपने पहली टर्म तो आपके पास है, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपने दूसरी टर्म मालूम करनी है तो दूसरी टर्म कैसे मालूम करेंगे जरा देखें, आप एन की जगह दो पुट करें, ए वन तो ये पड़ा हुआ है टू प्लस एन की जगह दो माइनस एक डी की जगह तीन, तो दूसरी टर्म कैसे आएगी दो जमा तीन कम तीन, तो दूसरी टर्म आपके पास पांच आ गई। अगर आप फर्ज करें तीसरी टर्म मालूम करें, जो टर्म मालूम करनी है एन की जगह वो पुट कर देना है, वो कहता है तीसरी टर्म मालूम करें एन की जगह तीन पुट कर दे, ए वन का मतलब दो, एन का मतलब यहाँ पे तीन माइनस वन और डी आप निकाल चुके हैं थ्री, तो तीसरी टर्म किसके बराबर आएगा टू प्लस थ्री में से एक या टू टू थ्री सिक्स, तो तीसरी टर्म आपके पास क्या आ गई ए। तो उम्मीद करता हूं
क्या आपको जनरल टर्म की समझ आई होगी? जनरल टर्म जो है उसे ए वन प्लस एन माइनस वन डी से जाहिर किया जाता है। ए वन प्लस एन माइनस वन डी बराबर है जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ए वन पहली टर्म, एन टर्म की तादाद, डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है। अब मैं मजीद आगे क्वेश्चन की मदद से आपको समझाता हूं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जी स्टूडेंट, तो फाइनली आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में क्या जाना, मैं जरा दोबारा चंद लफ्जों में इसको एक्सप्लेन करता हूं। जब भी आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आपके दिमाग में कोई ख्याल आए तो इसका मतलब होता है एक ऐसी तरतीब जिसमें हर अगली टर्म पिछली टर्म में एक फिक्स नंबर जमा करने से हासिल हो। दोबारा बोल रहा हूं, एक ऐसी तरतीब जिसमें हर अगली टर्म पिछली टर्म में एक फिक्स नंबर जमा करने से हासिल हो, या आप यूं भी कह सकते हैं कि एक ऐसी तरतीब जिसमें हर अगली टर्म पिछली टर्म में माइनस की जाए, यानी अगर अगली में से पिछली माइनस करें तो इस अगली में से पिछली माइनस करें तो इस अगली में से पिछली माइनस करें, जवाब सेम आना चाहिए। ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन है। मैंने जरा आसान लफ्जों में बताया है कि अगर हर अगली टर्म पिछली टर्म में फिक्स नंबर जमा करने से हासिल हो, फिक्स नंबर जमा करने से हासिल हो, तो ये जो तरतीब आ रही है जो फिक्स नंबर जमा करने से हासिल हो रही है, इस तरतीब, इस सीक्वेंस का नाम, इस प्रोग्रेशन का नाम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। ये जो पहला नंबर होता है ये इसकी पहली टर्म होती है, ये जो टोटल होते हैं ये एन होता है, इसकी तादाद होती है, और जब आपस में माइनस करते हैं तो जो जवाब आता है वो डी होता है। अब मैं क्वेश्चन की मदद से आपको प्रैक्टिस करवाता हूं। जी